अरे फ्रैंकलिन भैया, इतनी रात हो गई है, पता नहीं हम लोग घर कब पहुंचेंगे। ये बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो रही है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। हाँ यार सिंचन, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर यार यहाँ पर रुकने के लिए कोई तो कोई जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ पर यार मैं रात काट सकूँ। एक मिनट यार सिंचन, एक काम करते हैं अपन लोग ना, किसी घर पे रुकते हैं किसी के, जहाँ पर यार थोड़ी देर के लिए तो भाई ये बारिश रुके तभी जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यार सिंचन लगता है मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, ये कार बारिश में नहीं चल पाएगी। चल जल्दी से नीचे उतर जा, इस वाले घर पे अपन लोग चलते हैं, और जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक वहीं पे रुकेंगे, कोई ना कोई तो होगा यार जो हमारी मदद कर दे। ओ तेरी सिंचन, अब समझ में आया यार हमारी कार क्यों नहीं चल रही है, ये देख हमारी तो टायर ही पंचर हो गई है। तो फ्रैंकलिन भैया अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लगता है क्या हम लोग नहीं जाएंगे क्या घर? नहीं यार सिंचन, मेरे पास ना एक आइडिया आया, देख अभी बारिश हो रही है, अपन लोग क्या करते हैं ना इस घर के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, और उसके बाद ड्राइवर को कॉल करेंगे, वो आकर के यार इसको फिक्स कर देगा, उसके बाद अपन लोग घर चले जाएंगे। चल ना यार यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, वो भाई ये दरवाजा तो लॉक है। चलो यार अपन लोगों को इसको कूद करके ही जाना पड़ेगा। आजा सिंचन मेरे पीछे पीछे। भाई ये जगह तो काफी ज्यादा सुंदर है, भाई किसका घर है ये? चलो कोई नहीं अंदर चलते हैं और चल करके पता करते हैं कोई है क्या। हेलो कोई है तो दरवाजा खोल लो। अरे यार देखो हमें यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह चाहिए। अरे कोई तो निकलो। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है जिसका घर है वो सो गया होगा, दरवाजा पीट करके कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, घर पे जाने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, या तो कोई खिड़की, ऐसी कोई ना कोई जगह तो जरूर होगी, चलो वो खोजते हैं। हाँ यार सिंचन तू सही बोल रहा है, मेरे को लगता है इसका मालिक सही में सो गया होगा, क्योंकि देख अंदर की लाइट तो जली हुई है। एक काम करता हूँ सिंचन मेरे पीछे आ, यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। गाइस अपन लोगों को दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता यार इतनी बारिश में भीग करके मुझे सर्दी जुकाम हो जाए, पर गाइस यहाँ तो कोई दूसरा रास्ता दिख ही नहीं रहा। एक मिनट यार यहाँ पर गैरेज तो होगा ही इनका ना, गैरेज से गाइस हम लोग अंदर जा सकते हैं। आजा सिंचन मेरे को रास्ता दिख गया है, ये देख यहाँ पर गैरेज है, इस गैरेज का यूज करके हम लोग अंदर जा सकते हैं। चलो यार कम से कम घर में एंट्री तो मिली, पर एक मिनट सिंचन यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा यार, लगता है ये घर खाली है। अच्छा हुआ सिंचन अपन लोग यहाँ पर चुपके से रात गुजार सकते हैं, उसके बाद यार जैसे बारिश रुकेगी हम लोग निकल जाएंगे। ओए सिंचन आना है तो आ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्या कर रहा है यार तू वहाँ पे? लेकिन भैया मैं घर में चारों तरफ देख रहा था कि कोई है क्या। नहीं यार सिंचन मैंने भी देख लिया, चल मैं फटाफट से सोने जाता हूँ, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा, थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं और जैसे बारिश रुकेगी अपन लोग इधर से निकल लेंगे। ठीक है ठीक है फ्रैंकलिन भैया, चलो चलो मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगा। हाँ तो मेरे पीछे पीछे है, यहाँ पर बेड भी लगाओ। भाई साहब ये घर तो काफी ज्यादा मस्त है, भाई मैं तो यहाँ जाकर के आराम से कल्टी मार के सो जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया सारी बेड पे आप ही सोओगी क्या? थोड़ा जगह छोड़ो मुझे भी सोना है। गाइस बारिश के कारण अपने फ्रैंकलिन और सिंचन की कार पंचर हो जाती है, और अपने सिंचन और फ्रैंकलिन को किसी अनजान घर पे रुकना पड़ता है। पर भाइयों एक मिनट, अभी तो उनको पता ही नहीं था कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वो कोई नॉर्मल घर नहीं है, बल्कि एक हॉन्टेड घर है, क्योंकि गाइस उस घर का मालिक उसी घर में मरा था, और अब उसकी आत्मा उसी घर में चारों तरफ गुजरती रहती है। और भाइयों अब यही आत्मा फ्रैंकलिन और सिंचन के पीछे भी पड़ने वाली थी। अरे बाप रे, इतनी डरावनी आवाज किसकी थी? ऐसा लगा मुझे किसी ने आवाज दिया, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओहो, मुझे तो काफी जोड़ की टोनेट लग गई। चलो यार कोई बात नहीं, इसी आवाज के कारण मुझे कम से कम उठने का मौका तो मिला। कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं जाकर के जल्दी से हल्का बनना पड़ेगा। ओह फाइनली यार यहाँ पर बाथरूम मिल चुका है, चलो मैं यहाँ जल्दी से जाकर के अपना हल्का हो जाता हूँ, काफी जोड़ की लगी है। अरे बाप रे बाप, मजा आ गया। क्या यार ऐसी बारिश में कौन जाता है टॉयलेट, पर मुझे इतनी जोड़ की लगी थी तो मैं क्या करता। अरे यार ये तो वही डरावनी आवाज है, लगता है यहाँ पर किस तरह गड़बड़ है। अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम मेरे हो। अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन भैया बचाओ, देखो मेरे पे कुछ तो अटैक ने किया है। कोई नहीं आने वाला है बचाने तुझे, आखिरकार मुझे एक नया शरीर मिल ही गया। काफी दिनों से मैं कैद में था, और इस बच्चे के कारण अब मैं आजाद हो चुका हूँ। क्या करूँ, मुझे काफी जोड़ों की भूख लगी है, पर यहाँ पर तो सिर्फ इस बच्चे का भाई है, एक से मेरा क्या होगा। एक काम करता हूँ, इस आदमी को यूज करता हूँ, और उसके बाद
ढेर सारे इंसानों की आत्मा एब्जॉर्ब करूंगा। जल्दी से रूप बदल करके उसके पास चलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो, कहाँ चले गए? चलो यार जल्दी से उठ जाओ, आपके उठने का समय हो चुका है। फ्रैंकलिन भैया आपको घर नहीं जाना है क्या? आपको पता है बाहर में बारिश रुक चुकी है, चलो यार जल्दी करते हैं। अरे यार सिंचन इतना चिल्लाता क्यों है, उठ रहा हूँ ना, रुक गई क्या बारिश? चल यार ठीक है अब जाना पड़ेगा। यार ये घर तो काफी मस्त था, उठने का तो मन ही नहीं कर रहा था यार, अभी तक तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। चल सिंचन भाई अपने को जाने का टाइम आ चुका है, पर एक मिनट यार मुझे ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया था मेरी कार की टायर पंचर है। अब यार वो भी पता नहीं रात को इतने बजे आएगा कि नहीं। ओ भाई साहब बारिश तो रुक गई है, पर कोई नहीं गाइस अपन लोग पहले अभी ड्राइवर को फ़ोन करेंगे और उसके बाद वो आ करके हमारी टायर को फिक्स करेगा या तो कोई कार लेकर के आएगा उसी से चला जाऊंगा मैं। चलो यार जल्दी से पहले ड्राइवर को फ़ोन करता हूं मैं। चल यार ड्राइवर, हेलो यार ड्राइवर भाई मेरी लोकेशन ट्रैक कर ले और प्लीज़ मेरे पास आ जा, मेरी कार की टायर पंचर हो गई और भाई रात के काफ़ी ज़्यादा समय हो जा रहे हैं। ठीक है फ्रैंकलिन, बस थोड़ी देर यहीं पर इंतजार कर, मैं अभी आता हूं तुझे लेने के लिए। अरे थैंक यू यार ड्राइवर, जल्दी आ जा भाई, काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं यहां पर। चलो गाइस ड्राइवर थोड़ी देर में यहां पर आ जाएगा, तब तक हम लोगों को यहां पर इंतजार करना है। और जब तक यार ड्राइवर आता है तुम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में मंत्रा गेमिंग ओपी लिख दो गाइस। अरे वो रहे सिंचन और फ्रैंकलिन, अच्छा हुआ यार मैं सही समय पर आ गया। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आखिर तुम लोगों की कार यहाँ पर पंचर कैसे हो गई? पता नहीं यार ट्रेवर, काफी जोर की बारिश हो रही थी फिर अचानक से हमारी कार अनकंट्रोलेबल हो गई, तो हम लोगों ने इसे यहाँ पर रोका और जब देखा तो टायर पंचर थी। छोड़ ना यार अभी मुझे घर जाना है, चल जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है यार फ्रैंकलिन, सिंचन जल्दी से कार पे बैठो यार, मुझे भी बहुत सारे काम है यार, तुम लोग कहाँ कहाँ फंस जाते हो, बेकार में मुझे तकलीफ भी देते हो, चलो आ जाओ कार पे बैठो। थैंक यू ट्रेवर अंकल, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं यार हम लोग घर कैसे जाते, आपको पता है आपका कितनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। चलो चलो हमें जल्दी से घर लेकर के चलो, और फ्रैंकलिन भैया मुझे काफी जोर की भूख लगी यार, इतनी रात को मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे सिंचन अब इतनी रात को तुझे खाने के लिए मैं क्या लेकर के आऊं, चल एक काम कर जल्दी से घर पहुंचते हैं, चुपचाप जाकर के सो जाना और थोड़ी देर बाद ना जब सुबह हो जाएगी तो मैं तुझे खाने के लिए ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें ला दूंगा, ठीक है? तो अभी फटाफट से अपन लोगों को घर जाना पड़ेगा। चल यार ट्रेवर काफी धीरे चला, थोड़ा स्पीड चला कार अपनी। ये लो फ्रैंकलिन हम लोग पहुंच चुके हैं तेरे घर, चल जल्दी सब कार से उतर जाओ, मुझे भी जाना है यार। अरे हाँ भाई उतर रहा हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पर कार में रुकना है। चल यार अब ट्रेवर अपना ख्याल रखना, निकल ले तू घर, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है यार तुझे मिलता हूँ मैं बाद में। ओए सिंचन अब बाहर खड़े खड़े क्या कर रहा है, चल जल्दी से हम लोगों को घर के अंदर चलना है, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, और तुझे सोना है तो तू भी आ जा। तू भाई नींद उद नहीं लग रही है क्या, रात भर तो सोया नहीं, कम से कम अभी चल के थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर में सुबह भी होने वाला है, आ जा ओए। आता हूँ फ्रैंकलिन भी आता हूँ, अरे इतनी हड़बड़ी भी क्या है, थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, कुछ लोगों से मिलकर के हाय बाय बोल देते हैं, चलो ना मेरे साथ। सिंचन बकवास ना कर, मुझे काफी जोड़ों की नींद आ रही है और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुझे सोना है तो सो, नहीं तो तुझे जो करना है वो कर। ठीक है फ्रैंकलिन भैया आप सोते रहो, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आता हूँ। ये टकला तो सो गया, अब मुझे कुछ लोगों को खोजना पड़ेगा जिसकी आत्मा को मैं एब्सॉर्ब करके अपनी भूख मिटा सकूं। एक मिनट यार मुझे ऐसा क्यों लगा कि सिंचन की आवाज बदल गई थी? अबे यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, काम करता हूँ पहले तो सिंचन के पास जाता हूँ और उससे एक दो बार बातें करके देखता हूँ, हो सकता है यार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अपने को पता भी चल जाएगा। पर ये सिंचन कहाँ चला गया, अभी अभी घर से बाहर गया होगा यार, मुझे फटाफट करना चाहिए नहीं तो यार सिंचन निकल जाएगा। ओ भाई साहब ये क्या कर रहा है यार, आखिर ये जा कहाँ पे रहा है, इसका पीछा करता हूँ, पर यार आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अगर इसको पता लगा ना कि मैं इसके पीछे जा रहा हूँ तो ये अपना प्लान चेंज कर देगा। एक बार पता लग जाए आखिर सिंचन करना क्या चाहता है ना उसके बाद देखते हैं। ओ भाई साहब इतनी रात को आखिर ये जा कहाँ पे रहा है, अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, सिंचन इस तरह कभी नहीं करता है, मेरे को बिना बताए इतनी रात को तो कभी नहीं निकलेगा, कम से कम यार बता के जाता आखिर जा कहाँ रहा है। ओ भाई साहब ये तो चलता ही जा रहा है, इस जगह पे तो हम लोग कभी भी नहीं आए, आखिर ये इस जगह पर क्यों जा रहा है। ओ भाई साहब ये तो भाई जंगल के अंदर जा रहा है, दौड़ रहा है ये, मुझे भी दौड़ना पड़ेगा। अरे नहीं 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 ओ भाई यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आखिर ये इन सारे लोगों के साथ में क्या करना चाहता है। अबे यार सिंचन वो तेरी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अबे यार ये क्या, ये सिंचन को क्या हो गया, आखिरकार मैंने इतने सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, अब इन सबको खा करके मैं अपनी पावर बढ़ाऊंगा। क्या बकवास है, सिंचन सही में इन सब की आत्मा खाने वाला है, अरे बाप रे ये क्या हो गया सिंचन के साथ में। हाँ,
आओ और मेरी भूख मिटाओ। एक एक करके सब के सब मेरे पेट में समा जाओ, कोई नहीं बचेगा। एक एक को मैं निकल जाऊंगा, सबकी आत्मा एब्जॉर्ब कर लूंगा। अरे यार सिंचन ने तो सबको निकल लिया भाई, अपना सिंचन क्या बन चुका है? अबे यार ये सिंचन है या कोई और? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, पर मैं उसके पास भी नहीं जा सकता, नहीं तो वो तो मुझे मार डालेगा। इन सबको तो मैंने खा लिया, पर मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी। मुझे और आत्मा चाहिए और लोगों को एब्जॉर्ब करना होगा। अरे यार लगता है सिंचन पूरे लॉस सैंटोस में सारे लोगों को एब्जॉर्ब करने वाला है। ओ भाई साहब सिंचन सिंचन ही नहीं रहा, ये तो इविल सिंचन बन गया और काफी ज्यादा खतरनाक भी। अबे यार इसको रोकने का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, किसके पास जाऊं? मेरे को कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, वो भी मेरे को काफी जल्दी करनी पड़ेगी। गाइस सिंचन अब सिंचन नहीं बल्कि इविल सिंचन था, तो तुम्हें क्या लगता है क्या अपना फ्रैंकलिन उसे रोक पाएगा? अगर तुम्हें जानना है तो पार्ट टू कमेंट बॉक्स में लिख दो। और भाइयों आज के लिए इतने, होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगली वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ।